अमीरों के गुलामी में गरीबों को कूट रहा है। अब हम लोग ना बोलेंगे तो संगीत तो अब पूरा भारत लूट रहा है। आज बीजेपी में जो भी चला गया सब साथ हो गया, और जो बीजेपी से अलग है सब चोर है। ये लाठी एगो बचा हुआ था जो तेल पिलावल रैली जो हुआ था गांधी मैदान में, उसी में केवल लाठी बच गए थे। तो ये लाठी लेकर के फिर गर्दनी बाग में आए हम। इनके जो होता है सब रतवा के होता है, वो 12 बजे रात के कुछ कुछ रतवा में। अरे नोटबंदी रतवा के हुआ, GST रतवे के लगा, इस चुनावों में जीत इनका रतवे के हो गया। आज कोई भी पढ़ा लिखा सरकारी सर्विस में अगर बैकवाद का है वो लालू जी का देन है। जैसे ये छोटका को ऊपर लाए उसी को तो जंगल राज कहा था। चाय प्याला से लोग प्रधानमंत्री बना दिया, ये चाहते है की जितना पढ़ा लिखा सब पकौड़ा बेचने लगे। कैसा नहीं आदमी है, हमको तो समझ में नहीं आता है इनको क्या कहे हम। मुजफ्फरपुर से आए हैं ना जी, और राम सूरत राय कल बोले हैं लालू यादव तेजस्वी को कि आइए गांधी मैदान में फरिया लेते हैं। हम लोग तो आए ना हुए हैं, हम लोग तो आए, वो कल बोले हम लोग आ जाए हुए हैं फरिया ले हुआ करके। हाँ, बोले कि हमरो 100 गो खानदान रहता पटना में। उनका उनका 100 गो खानदान होगा पटना में, पूरा बिहार खानदान है लालू जी के ही यहाँ। पटना के गर्दनी बाग में हम लोग हैं। लालू विचार मंच का जो है वो एक दिवसीय धरना है। कहाँ से आए हैं चचा? मुजफ्फरपुर से। अरे बाप, इतना गर्मी में क्या करने आए जी? अरे बाप, हम लोग के भविष्य गर्द इसमें पड़ा हुआ है, बाल बच्चा अब हम लोग के साथ में क्या होगा ये देखा ऊपरे वाला अब जाने। कारण कि जो अभी समस्या उत्पन्न कर दिया देश पूरा बेच रहे हैं। हम इस बार एक शहर कह रहे हैं, बोलिए ना शहरे बोली। आई आवाज आई आवाज आई। गरीब अमीरों की गुलामी में गरीबों को कूट रहा है। अमीरों के गुलामी में गरीबों को कूट रहा है। अब हम लोग ना बोलेंगे तो संगीत तो अब पूरा भारत लूट रहा है। अरे बाप रे बाप, आप तो गर्दा का। इसलिए अब तो बोलना है, अब जाग जा बच्चे के भविष्य के लिए। ना तो अब तो पूरे संगी अडानी को पूरा किसान का खेत बेच रहा है। अब हम लोग इसके बाद तो निवाले के लिए मोहताज हो जाएंगे। आज देख लिए हम लोग के जो गरीब गुरुआ के बोलने वाला दुख सुख में चलने वाले, हकीकत में आज गरीबों गुरुआ का जो मसीहा बने लालू जी उन्हें बन गए गरीब गुरुआ के मसीहा। आप बोल दिए, हम सुन लिए। आज कोई भी पढ़ा लिखा सरकारी सर्विस में अगर बैकवाद का है वो लालू जी का देन है। लालू जी का जी, उससे पहले एक भी नहीं था कोई सरकारी सर्विस में, न एगो को नेता था, न एगो कोई कुर्सी पर बैठने का हक था। ये लालू जी का देन है कि वो दिए। आज उनकी जैसे ये छोटका को ऊपर लाए उसी को तो जंगल राज कहा था। अरे जैसे छोटका को जब शासन मिला, छोटका को कौन पब्लिक को समझाइए? छोटका ओबीसी, ओबीसी जैसे चमार दुसाद मुसलमान राजी सहनी बनिया ये सबको, राजी सबको जैसे मिला कुर्सी पर जैसे ही लोग बैठा सब कहा बाप रे बाप यही तो जंगल है। वाकई में छोटका को जंगल समझता था। जंगल आज हकीकत में जंगल आज तो आज है ना। आज हमारा बेटी सुरक्षित है, न कोई आदमी सुरक्षित है, न कोई कारोबारी सुरक्षित है। देखिए रोड पर चल रहा है हत्या हो जाती है, दरवाजा पर झाड़ू मार रहा है आज में हमारे यहाँ कितना क्या करके हत्या मार देता है गोली। शासन की सरकार है जो सुशासन है कि तो पक्का कुशासन है। ये भ्रष्ट कुशासन, ये तो कुशासनों का कुशासन है। तब उल्टा बात है, कुशासन को शासन में तब्दील कर दिया जी। जैसे जुमलाबाद मोदी जी कहे देश बेचने नहीं देंगे, अब पूरा देश के बेच रहे हैं। कह रहे कि निजीकरण करें तो बढ़िया ना है, निजीकरण बढ़िया। सरकार के पास पैसा है। जियो वाला क्या था ना, हम लोग 200 रुपया में पहले अथी देखते थे पूरा टीवी चैनल का डिक्स वाला। आज जैसे जियो के दिया अब 400 रुपया में आधा देख रहे हैं, देख रहे हैं आधा पूरा। पहले तो उतना ओकरों से मांगा था, पहले 200 रुपया में, 100 रुपया 200 रुपया में पूरा था। आप तो 400 रुपया 500 रुपया में आधा देख रहे हैं। बढ़िया ना, मोबाइल पे फिल्म देख रहे हैं, पहले देखते थे। अरे मोबाइल में कल BSNL जैसे 2G था, BSNL को अगर जिंदा रखता था जियो के कौन जरूरत था, तो जनता के ना फायदा होता। आज जो है BSNL अपना सरकारी को बर्बाद कर दिया, जनता के पैसा लुटा रहा है, दे दिया अडानी को। जियो वाला के लो अब तू 500 रुपया 600 रुपया में ऐठो, पहले जो 100 रुपया में हम लोग के काम चल जाता था अब 600 रुपया देना पड़ता है। आप लोग वो मांग कर रहे हैं कि लालू जी को जो है जेल से सुलवाना है फ्री में, मतलब कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए, मतलब कोर्ट प्रक्रिया होगा उसके बाद ना रिहा होगा जी। अरे ऐसे एक बात देखिए, दिखाइए इतना बड़का देखते हैं घोटाला बात, यानी चोर चुहार क्रिमिनल हथियारा। आज बीजेपी में जो भी चला गया सब साथ हो गया, और जो बीजेपी से अलग है सब चोर है।
सबको पेरोल पर मिल जाता है। लालू जी को क्यों नहीं, लालू जी सबसे बड़का दे तो रही है का? लालू जी मिल जाए, लालू जी हाँ, लालू जी क्या मिलेंगे? लालू जी तो क्या मरेंगे लेकिन मिलेंगे नहीं, मट्टी में मिल जाएंगे भाजी, बीजेपी में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार थोड़ा दौड़ा है पलटू राम की अन्य पलट गए उधर पलट गए, नहीं मिल रहे तो नुकसान केकरा हो रहा है? नुकसान से डरना नहीं ना, डरना नहीं, नहीं अगर सब डर गया थे तो देश खत्म, गरीब का मसीहा क्या रहेंगे? बिहार नहीं डरते हैं, ले चलो जेल में बंद कर दो, क्या करेंगे? ये घर में बाहर रहने से भूखे मरने से अच्छा जेल में बैठा के खिलाओ, खिचड़ी खिचड़ी खिलाओ, जेल में खिलाओ बैठा करके सबको, और क्या करेंगे? अभी इतना महंगा आ गया, बताइए 100 रुपए पेट्रोल चला गया है। यही मोदी जी आने से पहले क्या कहते थे? 65 रुपए तेल था, 60 रुपए तक था, शर्म नहीं आता कि हाँ ये इतना, हाँ स्मृति ईरानी चूड़ी भेजती थी, आज कहाँ गया स्मृति ईरानी का चूड़ी? आज मोदी जी के लिए भेजना चाहिए ना, तो मोदी जी के लिए चूड़ी नहीं कंगनो तो भेज देती कम से कम। क्या भाई कंगने में नहीं आप गोसियाल है ना, गोसियाने की क्या बात है? हमारा बाल बच्चा तेरा ही माँ है, आज बोला हम लोग के औलाद पढ़ लिख करके रोड पर बोवा रहा है, तो बोला है, बोले तो मोदी जी की पकौड़ा बेचो। हाँ ये तो है कि पकौड़ा बेचो, और जमीन बेच के हम लोग पढ़ाए, अब बच्चा को पकौड़ा बेचवावे। अब प्रधान जैसे इनको तो चाय प्याला से लोग प्रधानमंत्री बना दिया, ये चाहते हैं कि जितना पढ़ा लिखा सब पकौड़ा बेचने लगे, कैसा नहीं आदमी है, हमको तो समझ में नहीं आता है इनको क्या कहे हम। कह दीजिए इनका ऊपर वाला सूद बुद्धि अकिल दे कि ये जनता को कम से कम देखे ना, तो खाली अडानी अंबानी को देखने से जनता तोड़बे तो चुप रहने वाली है, जनता तो उग्र होगा ही, अडानी अंबानी को आप देखिए, जनता हम आप लोग के देखेंगे, जनता हम की इनको जोड़ेगी नहीं, चाहे कितना भी हम घोटाला करेंगे फिर भी हम की नहीं आएंगे। कहाँ लालू जी के सरकार आ गल, लालू जी के सरकार तो चोरी से ना आवे दिल गई, न तो लालू जी के सरकार जो है ये तो आप जो बतला देते हैं कि 130, हम लोग सब आदमी टीवी पर देख रहे हैं कि 1 बजे तक 130 राजद बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जैसे देखा रुक गया इलेक्शन को अथी चुनाव के, नहीं अभी गिनती मत होगा, यहाँ नीतीश जी सब बैठ करके कौनसी ने कौनसी सेटिंग किया, 2 बजे रात के इनका सरकार बन गया, इनका जो होता है सब रतवा के होता है, वो 12 बजे रात के कुछ कुछ रतवा, अरे नोटबंदी रतवा के हुआ, GST रतवे के लगा, इस चुनावों में जीत इनका रतवे के हो गया, तब तो इनका जो होता है सब रात के, दिन के कुछ नहीं चलेगा ना सरकार की, बीच में कहानी खत्म है। अरे ये तो हम तो चाहते हैं कि सरकार आज गिर जा से, अच्छा अरे सरकार, हाँ ये सरकार है कौनो, ये कौनो सरकार नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते हैं, ये तो गोद में जाकर के बैठ गए खेलने के लिए। नीतीश जी कहे थे, हम लोग के याद है, कहे थे कि मट्टी में मिल जाएंगे बीजेपी में नहीं जाएंगे, इन्हीं के ना DNA के पर सवाल उठाए थे, चले गए इनका, तो इनका बात का क्या भरोसा, इनको भी बात का क्या भरोसा, उधर प्रधानमंत्री जी जुमले बाजे है, आई तो उनकरों से बेसी जुमला बाज जी। पलटू बाबू आप कहाँ से हैं भैया, लाठी लेके मुजफ्फरपुर से, तेल पिलाओ लाठी चलाओ रैली में है? हाँ लालू जी का दिया हुआ है ये लाठी, एगो बचा हुआ था जो तेल पिलाओ रैली जब हुआ था गांधी मैदान में, उसी में के वो लाठी बच गए थे, तो ये लाठी लेकर के फिर गर्दनी बाग में आए हम, काहेला लालू जी के रिहाई के मांग के लिए। अच्छा तो आप तो भैया पैर से दिव्यांग है, तो पैर से ना दिव्यांग है, तो लठियाबा तो है ना लालू जी के दिया हुआ, वही लठियाबा का भरोसा निकालेंगे लालू जी के, तब लड़के निकालिएगा, निकालेंगे लड़के, कोर्ट प्रक्रिया ना है, कोर्ट जब बेल देगा तभी ना, तो कोर्ट प्रक्रिया है तो कोर्ट प्रक्रिया का हम सम्मान दे रहे हैं अभी, अगर नहीं अगर सुनेंगे तो रोड पर उतरेंगे ना हम लोग लालू जी के रिहा के लिए। इतना धूपा में मुजफ्फरपुर से काहे लाए हैं? तो धूपा कहाँ है, धूपा है नहीं जी, वो धूपा हम लोग का नहीं है, हम लोग मट्टी के है, मट्टी में जाएंगे फिर धूपा बरसात के देखेंगे, अगर लालू जी के रिहाई के लिए हम लोग चले हैं तो बरसात देखेंगे, धूपा थोड़ी देखेंगे, धरना ओला दे रहे हैं, वही लोग धरना दे रहे हैं, रिहाई हो, रिहाई हो, महंगाई पर रोक लगे, इस सब के लिए हमने अति कर रहे हैं। महंगाई अब कम होगा लग रहा है आपको? कहे ना होगा, होगा अगर संघर्ष करने चले हैं तो मोदी जी चाय बेचने का काम थोड़ी करते हैं, वो तो दलाली का काम कर रहे हैं ना, इनका दलाली कर रहे हैं, अडवाणी जी कर, हमारे भाई साहब कहे ना अडवाणी जी कर रहे हैं, अडवाणी अंबानी जी, अंबानी जी का, अंबानी जी का, तो ऐसा ना चलने देंगे, अब हमारे विचार मंच का जितना भी कष्ट करता है वो अब रोड पर संघर्ष करेंगे। मुजफ्फरपुर के बगल में ही राम सूरत राय द्वारा घर में दारू बेचवाया जा रहा है, बोचहा थाना, बोचहा थाना,
और जब वो अथी होते हैं तो कहते हैं भाई हमारा भंस लाल बोती तो चाचा ये कहने गए हैं ना, ये तो मुजफ्फरपुर से आए हैं ना जी, और राम सूरत राय कल बोले हैं लालू यादव तेजस्वी को कि आइए गांधी मैदान में फरिया लेते हैं। हम लोग तो आइए ना हुए हैं, अरे हम लोग तो आए हुए, कल बोले हम लोग आ जाए हुए हैं फरिया ले हुआ करके। हाँ। हाँ। बोले कि हमरो सौ गो खानदान रहता पटना में, उनका उनका सौ गो खानदान होगा पटना में, पूरा बिहार खानदान है लालू जी के ही यहाँ, पूरा बिहार खानदान जी, पूरा बिहार लालू जी के खानदान है, हकीकत बात है। और उनका तो खैर हिंदू मुसलमान सब खानदान है, इनका कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव तो बीजेपी जदयू ये सब के लिए है, लालू जी के लिए थोड़े तो सबके लिए मसीहा है। बोले कि हिम्मत है तो फरिया लीजिए गांधी मैदान में तेजस्वी यादव को, उनको ना हिम्मत होना चाहिए फरियाने के लिए, तेजस्वी जी क्या जाएंगे फरियाने, तेजस्वी जी लाठी लेके आएंगे, तेजस्वी जी वहाँ बोल रहे हैं, उनका वहाँ जवाब दे जनता से लाइया फरिया ले। अच्छा एक बात और मंत्री जी बोले हैं कि मेरा भाई ना गलती किया, हमने ना गलती की है, सब स्कूल उनका है, भाई गलती किया, ये तो सब जनता की स्कूल राम सूरत राय जी के है, आप मुजफ्फरपुर के, हम लोग मुजफ्फरपुर के हैं, मंत्री जी भी मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर के हुआ है, हम लोग तो सब जानते हैं कि उनका ऐसा ही अति स्कूल है, तब उनका स्कूल में से निकला है, दूसरा कौन का स्कूल है, अब उनका भाई दूसरा है, आज भाई के छोड़ना देते कह दे की हाँ भाई के ले जाओ गांव वाला सब पीट पाट के बराबर करो सबको मरवा दिया कितने के, तो ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, भाई तो अखनी भाई हो जाएगा, अखनी है कि जब पकड़ा गए तो बोलो भाई है, यही हुआ भाई को बलि देना, यही मंत्री जो भाई को नहीं हुआ वो देश को क्या होगा, जो भाई को नहीं हुआ देश को क्या होगा, इधर भाई के बड़ी का बकरा चढ़ा रहा है, ऐसा नहीं तो भाई होगा, कसाई है ये कसाई, गर्दा कबाड़ दिए चाचा, नम्मा बता दीजिए, रहमत अली हमारा नाम, रहमत अली चाचा गर्दा कबाड़ दिए आज लालू जी के छुड़ाने के लिए, एगो भैया आए हैं लाठी लेके कि आज छुड़ा के ही जाना है, और ये चाचा आए हैं दोनों मुजफ्फरपुर से हैं। वीडियो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।